हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लवफर प्लांटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मधुमालती का प्लांट। ये है मधुमालती का प्लांट है, ये डोरमेसी की पीरियड में चल रहा था। अब गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है तो मधुमालती के पौधे में काफ़ी ढेर सारे से ग्रोथ स्टार्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास मधुमालती का पौधा है तो आज मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने मधुमालती के पौधे से ज़्यादा फूल पा सकते हैं। इसके अलावा मधुमालती फ्रेंड्स, जो इसमें फूल आते हैं, फूलों में खुशबू बहुत अच्छी रहती है। मधुमालती के दो वैरायटी रहती है, एक ड्वार्फ वैरायटी, एक बेल वाली। तो आप जो भी वैरायटी आप लगाना पसंद करते हैं, दोनों में अच्छी तरह से खुशबू रहती है। तो इस टाइम आपको क्या करना है, मधुमालती में अच्छी तरह से फूल पाने के लिए आपको अपने पौधे में थोड़ी बहुत प्रूनिंग कर देना चाहिए। मधुमालती के पौधे में इस टाइम आप कौन सा खाद दे सकते हैं, आप अगर अभी खाद देंगे तो एक महीने के अंदर में मधुमालती में बहुत ही अच्छी तरह से फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो सूखे सूखे ब्रांच है उस ब्रांच को मैं कट कर दे रही हूँ। वैसे मधुमालती एक परमानेंट प्लांट है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रूनिंग नहीं करेंगे तो भी मधुमालती पौधा काफ़ी अच्छी तरह से घना रहता है। लेकिन जो सूखे ब्रांच हैं उस ब्रांच को आप निकाल देंगे तो पौधा आपका शेप में रहेगा और बहुत ही अच्छी तरह से पौधा घना भी हो जाएगा। पौधा अक्सर पौधे में अगर पौधे की आप कटाई नहीं करेंगे तो पौधे की जो ब्रांच रहती है इधर उधर काफ़ी फैल जाती है। तो कटिंग करने से क्या होता है कि पौधे में शेप अच्छी हो जाती है और पौधा घना भी हो जाता है, और जब फ्लॉरिंग होती है तो बहुत ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगती है। इसके अलावा कटिंग करने के बाद आप अपने पौधे में गुड़ाई करिए। मधुमालती का प्लांट एक ऐसा प्लांट है, ये परमानेंट प्लांट है। परमानेंट प्लांट आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाया करें, ये ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता है। और आप एक बार खाद दे देंगे तो ये 2 से 4 महीने में आप खाद नहीं भी देंगे तो भी अच्छी तरह से फ्लॉरिंग करता रहता है। तो आपको क्या करना है, गुड़ाई करिए, गुड़ाई करने के बाद आप इसमें खाद दे सकते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने पौधे में कौन सा खाद दे सकते हैं। मधुमालती के प्लांट में आप पानी बहुत ज़्यादा ना दें, आप एक बार पानी दे दीजिए तो 4 से 5 दिन आप पानी नहीं देंगे तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मधुमालती एक हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, और जैसे ही बारिश का महीना आता है, बरसात का मौसम आता है, जिसमें बहुत अच्छी तरह से फूल आने लगते हैं। तो आप अभी से अपने मधुमालती के पौधे को तैयार करिए, खाद देके तैयार करिए, कटिंग प्रूनिंग करके आप इसको रेडी कर दीजिए। मधुमालती का प्लांट आप कभी भी छोटे पॉट में न लगाएं, आप उसको हमेशा बड़े पॉट दीजिए, 12 से 14 इंच का पॉट दीजिए, क्योंकि ये बड़ा प्लांट है। इसको बड़े पॉट आप देंगे तो ये अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। छोटे पॉट में मधुमालती के पौधे को बिल्कुल ही नहीं लगाना है। आप जब भी लगाइए, अगर नर्सरी से आप परचेस करते हैं तो भी आप बड़े पॉट में इसको लगाइए। आप एक बार इसको लगा लेंगे तो आपके पास ये सालों साल चलता रहेगा। एक बार आप इसको खाद देंगे उसी में ये बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहेगा। जैसे ही मौसम आएगा ये अपने आप ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने गुड़ाई कर ली है, अब मैं इसमें कौन कौन सा खाद दूंगी। तो यहाँ पे हमने 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया है, आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। मधुमालती के पौधे को आप दिन भर की धूप में रखा करें, आप इसको शेड एरिया में बिल्कुल ही ना रखें, क्योंकि एक फ्लॉरिंग प्लांट है। आप इसको धूप में रखेंगे बहुत अच्छी तरह से फ्लॉरिंग करता है। अब वर्मिंग कंपोस्ट के अलावा आप 1 चम्मच पोटास भी दे सकते हैं, ये है केमिकल पोटास। इस पोटास को डालने से इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती है। अगर आप चाहें तो प्याज के छिलके का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी संख्या में फूल पाने के लिए और जल्दी फूल पाने के लिए आपको पोटास का इस्तेमाल करना है। ये जो पोटास है किसी भी नर्सरी शॉप पे आसानी से मिल जाता है और भी ये बहुत सस्ता ही रहता है। तो यहाँ पे हमने 1/2 चम्मच पोटास लिया है। अगर दोस्तों आपके पास केमिकल पोटास नहीं है तो आपको क्या करना है, प्याज के छिलके का पोटास बना लीजिए। प्याज के छिलके को पानी में भिगा लीजिए, 24 घंटे उसको भीगने दीजिए। फिर जो पानी आप जो उसमें पानी फर्टिलाइज़र तैयार होता है उस पानी को आप छान लीजिए। छानने के बाद आप अपने पौधे में दे सकते हैं। यहाँ पे हमने DAP लिया है, 10-20 दाने हमने DAP का इस्तेमाल किया है। DAP में सभी तरह के तत्व पाए जाते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस, ये तीनों मात्रा पौधे को मिल जाती हैं। तो ये सब तीनों खाद को अच्छी तरह से मिला के
आप अपने पौधे में दे सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास DAP नहीं है, पोटाश नहीं है, तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास NPK है, NPK 19:19:19 है, जो एक बैलेंस फर्टिलाइज़र है, अगर आपके पास वो है तो आप NPK भी दे सकते हैं, क्योंकि NPK में भी कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन सभी तरह के तत्व पाए जाते हैं, जो कि एक बैलेंस मात्रा में रहते हैं, तो आप अपने पौधे में उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको खाद देने के बाद मिट्टी में खाद को अच्छी तरह से मिला दीजिए। मिलाने के बाद आप इसमें पानी दे सकते हैं। जब भी आप खाद दें तो आप अपने पौधे में पानी ज़रूर दे दीजिए, और आप जब भी खाद दे रहे तो पौधे की मिट्टी थोड़ा सूखी होनी चाहिए। गीली मिट्टी में आपको कभी भी खाद नहीं देना है। जब आपको लगे कि मिट्टी सूखी है तभी आप उसमें गुड़ाई करके खाद दीजिए। इसके अलावा पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, पौधे को जड़ को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे हमने मैग्नीशियम सल्फेट लिया है। ये एक मैग्नीशियम सल्फेट है, और इसको आप जब आप डालेंगे तो पौधे की ग्रोथ तेज़ हो जाती है। पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ ग्रीन रहती हैं, पौधा काफ़ी देखने में सुंदर लगता है, लश ग्रीन इसकी पत्तियाँ रहती हैं। तो आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना है, उसमें आधा चम्मच आप एप्सन साल्ट मिलाइए, और इसको मिलाकर खूब अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप अपने पौधे में यही पानी आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस पानी का अपने पौधे पर स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने से ही पौधे में बहुत ज़्यादा ताकत बढ़ जाती है, पौधे की जो ग्रोथ रहती है दुगनी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसके पत्तियों को ऐसे भिगाते हुए सारे ब्रांच को जो हमने कट किया है, ब्रांच को में भी नमी हो जाएगी और पौधे में पानी भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप पानी दे सकते हैं, या तो फिर आपको क्या करना है, बॉटल में पानी भर के आप स्प्रे कर सकते हैं, सारे ब्रांच को भिगा सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से भी आप दे सकते हैं पानी। वैसे मधुमालती के पौधे में कोई पेस्ट वगैरह तो नहीं लगता है, अगर आप में लग रहा है तो आपको क्या करना है, आप बेकिंग सोडा का पानी बनाकर अपने पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं, या तो फिर फंगीसाइड है तो फंगीसाइड का पानी बनाकर अपने पौधे में स्प्रे करेंगे, तो इसमें किसी भी तरह के कोई कीड़े मकोड़े का अटैक रहेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस टाइम मधुमालती के पौधे में इस तरह की खाद दे सकते हैं। पौधे की ब्रांच को कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं, ताकि पौधा आपको आगे चल के अच्छी फूल दे सके। और अगर आपके पास डोआ वराइटी है या तो फिर बेल वाली वराइटी है, दोनों ही मधुमालती के पौधे में बिल्कुल इसी तरह आपको केयर करनी है, इसी तरह आपको खाद देनी है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब।